सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। सम्मानित साथियों, मैं नवीन त्यागी आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बकरी बाहर चला रहे हैं, जैसे कहीं से भी 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर। यूपी में रहने वाले लोग राजस्थान से लाते हैं, और इधर पूर्वांचल में रहने वाले लोग उधर पश्चिम से लाते हैं, इटावा, मैनपुरी और मथुरा से लाते हैं। तो कई बार क्या होता है, बकरियाँ लाते तो हैं हम लोग, लेकिन उसकी मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब आते ही जो है मरने लगती है, या कुछ तो रास्ते मर जाती है, कुछ आकर मरती है, कुछ एक महीने बाद मरती हैं। तो उसका कारण क्या है, उससे कैसे बचाव किया जाए, आज हम इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो हमारे साथ शमशेर पटेल जी है, नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ संगीत त्यागी जी है, नमस्कार मास्टर साहब। तो आप शुरू करते हैं शमशेर जी से। शमशेर जी, जरा बताइए दर्शकों के, सभी किसान भाइयों को शमशेर कुमार पटेल से नमस्कार जी। जी, और हम लोग गलतियां यहीं पे कर देते। देखिए, मैं अपनी यहाँ बीती बता रहे हैं आपको। हम जब फार्म अपना स्टार्ट कर रहे थे, तो बकरी हमको कहीं मिलने में जौनपुर से भी लाया, मगर उसमें गलती हमसे हुई कहाँ, मैं जो 14 बच्चा जो है ना बाहर से मंगा लिए। मंगाने के बाद बच्चे हमारे फार्म पे आए, बच्चे ये भी नहीं थे, 22-22, 24-24 किलो के वजन के बच्चे थे। और बच्चे जहाँ पे ला, 2-3 दिन तक तो बच्चे सही थे, तीसरे चौथे दिन के बाद उसमें हुआ क्या कि बच्चे खाने के लिए तो सब कुछ खा रहे थे, मगर उनको लैट्रिन हो रहा था, लैट्रिन बंद ही नहीं हो रहा था। दो दिन एक दिन बंद होता था, फिर चालू हो जाता था, और हमारे तो बच्चे सारे के सारे मर गए। बस एक ही बच्चा था, ऐसा बच्चा जो था कि अभी एक ही बच्चा है वो। मगर जहाँ तक अपने अथुआ का समस्या होता है ना, तो जो बाहर से बकरी आती है ना, तो पहली बात तो वहाँ का वातावरण कैसा है, हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ वो क्या खाई है। पहले हम बकरी लेने जाते हैं ना, तो लोग गलती यही कर देते कि नहीं जाइए बाहर से बकरी लीजिए, वो क्या खिला रहा है, क्या वो खा रही है, उसके बारे में ध्यान दीजिए। हो सकता है अपने यहाँ तो मसूर का भूसा भी नहीं मिलता है, चने का भूसा भी नहीं मिलता है, वहाँ तो मिलता है, हैं, सब लोग खिला देते हैं, मगर अपने यहाँ तो गेहूँ का भूसा ही खिलाना है ना। तो कम से कम हम कहीं से भी ले रहे हैं, तो आप उस जगह के बारे में जा रहे हैं तो वहाँ देखिए कि हमारा जानवर खा क्या रहा है, उनको खिलाना कैसे है। कम से कम एक दिन उसके साथ रह के तो देखिए कि नहीं सामने वाला क्या खिला रहा है, वो क्या खा रही है, उस हिसाब से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब हाँ, आप जानकारी रखिए पहले, इसके बाद कोई काम करिए आप। तो ध्यान की सबसे बड़ी वो होती है कि आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान नहीं देंगे तो बस वही है, वहाँ से लेके आएंगे, आदमी क्या करते हैं 100-200 किलोमीटर लेके चलाएंगे, चाहे उसके बाद रोक के पानी वहाँ पिला देंगे, फिर वहाँ से गाड़ी पे उसको ला देंगे, फिर वहाँ से लेके आए 200-400 किलोमीटर चला के आए, फिर रोक के वहाँ भी पानी पिला दिए। अब वहाँ भी पानी पिलाए, यहाँ भी पानी पिलाए, इसके बाद घर पिला के भी आप पानी पिला रहे हैं। तो पानी पिलाइए ठीक है, मगर पानी में थोड़ा नमक तो डाल दीजिए, क्योंकि जो पानी का तासीर है नमक काट देगा, बकरी आराम से पी के अपना वो रहेंगी। तो बस छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी जानकारी अगर आदमी को मालूम हो जाए, मतलब अगर कई जगह का पानी पिला रहे, हर 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर पानी पिला रहे, तो कई किस्म का पानी पिला रहे हैं, ठंडा अलग है, गर्म अलग है, वहाँ का पानी अलग अलग है, तो ये तो आदमियों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। हाँ, तो जानवर है, तो जानवर है। तो कहने का मतलब कि हर जगह रोक रोक के पानी मत पिलाइए। नहीं, पिलाइए आप, मगर थोड़ा नमक उसमें डाल दीजिए। अच्छा, नमक थोड़ा सा डाल दीजिए, चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी भी डाल सकते हैं, नमक चीनी का घोल मिला के अपना पिला दीजिए। पिला दीजिए। और वहाँ का पानी जहाँ का पी रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा, ठीक है। फिर अगर यहाँ आ गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ आ गया तो वही सिस्टम है ना, कि जैसे अपने फार्म पे बकरी आ गई, थोड़ा देर तक रुक जाइए। रुकने के बाद जब बकरी कम से कम आधा से पौना घंटा जब रिलैक्स होती है, तो आप पानी डालिए, उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, 2-4 दिन ऐसे करके जो है आप पिलाते रहिए। थोड़ा पानी, जैसे कि लोग गर्म पानी भी कुछ लोग देते हैं, हल्का गुनगुना रहेगा वो भी चलेगा। अच्छा, 4-6 दिन तक आपको इनके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। और तुरंत खाना नहीं खिलाना चाहिए, 1-2 दिन रुक के खिलाना चाहिए? नहीं, खिलाइए आप, मगर क्या है ना कि जैसे कि हम बाहर से बकरी लिए है ना, वहाँ से थोड़ा चारा भी ले लें, जहाँ से हम बकरी लिए है ना वहाँ से थोड़ा चारा ले लें, ताकि अगर मैं इसको इनको डाल रहा हूँ, थोड़ा अपना चारा डाल दिया, थोड़ा इनका डाल दिया, तो ये थोड़ा अपना भी खा लेंगे, थोड़ा हमारे धीरे धीरे खाते 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 जब सीख जाएंगे तो खाने लगेंगे अपना। किसान भाइयों, संगीत कुमार त्यागी जी की तरफ से सबको सादर प्रणाम। मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप जाइए, कहीं से भी बकरी लाइए, बाहर से लाइए,
लेकिन उनको लाते समय उनको बीच रास्ते में भी ध्यान देना चाहिए कि हम बकरी गाड़ी पे लदी हैं तो हमें देख लेना चाहिए, बीच में दो घंटे तीन घंटे बाद या चलने के बाद उन्हें एक बार पुनः देख लेना कौन बकरी किस स्थिति में है, और हो सके तो रास्ते में उनको अगर वहाँ का कुछ चारा वगैरह है तो दे दीजिए, और किसान के यहाँ लाने के पहले वहाँ पूरी जानकारी उस बकरियों के विषय में ले लीजिए, उसको वैक्सीन लगा है कि नहीं, कीड़ी की दवा जिसको हम डिवर्मिंग कहते हैं हुआ है कि नहीं है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं अपने यहाँ लाइए उनको हल्का चारा दीजिए, दस दिन के बाद ही डिवर्मिंग, ये नहीं कि अगर वो नहीं कराया है तो आज ही लाए और आज ही शाम को हम उस कीड़ी की दवा डिवर्मिंग करा दिए, पता चला कि वो दवा तो हम दे दिए लेकिन वहाँ का खान पान तापमान पानी सब कुछ यहाँ बदला हुआ है जिससे गीला लाइटिंग होने लगता है और लास्ट में क्या होता है कि आप दवा करते करते थक जाते हैं लेकिन बकरियाँ बचती नहीं। तो हम यही किसान भाइयों से चाहते जब भी आप फार्मिंग करें, जब भी फार्म खोलें पूरी जानकारी ले लीजिए, और बकरियाँ जहाँ से भी लाएँ वहाँ से पूरी जानकारी ले लीजिए, और प्रयास रहे कि हम जब भी बकरी पालना शुरू किए दो ठो चार ठो अगर खरीदना है तो हम आसपास अपने एरिया की बकरियां खरीदेंगे तो हम आसानी से पाल लेंगे, और इस तरह जो है आपका जो है काफ़ी नुकसान होने से आप बच भी चाहेंगे और एक आप सफल फार्मर कहलाएंगे। जो वहाँ जो किसान जिसके यहाँ से लाएँ वो क्या क्या उनको खिलाया है ये पहले देख लीजिए, वहाँ पता चला कभी हरा चारा नहीं खिलाया, हमारे यहाँ लाए भरपूर हरा चारा उसको डाल दिए, पता चला कि वो जो है गीला लेटिंग करने लगी। तो खान पान का बकरी लाने से पहले यहाँ लाने के बाद भी हमें खान पान का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोग बच्चा लाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं 7 महीने 8 महीने या 3-4 महीने के, पता चला कि वहाँ बकरियाँ 3-3-4 महीने का भरपूर बच्चा वहाँ खा नहीं रहा है, कुछ दूध पी रहा है कुछ वहाँ चारा खा रहा है, वो दोनों से उसका जो है खुराक मेंटेन हो रही है, लेकिन हम यहाँ लाने के बाद उसको दूध नहीं मिल रहा है, सीधे हम चारे पे चले आते हैं और भरपूर चारा उसको खिलाने लगते हैं तब भी जो है गीला लेटिंग करता है और बच्चा मर भी जाता है। तो छोटी छोटी बातों को हम कई तरह से उसको ध्यान दें तब जाके हम सफल हो जाएंगे, और बकरी फार्म बहुत खुलते हैं, बहुत लोग खुलते हैं, नुकसान होने के बाद बंद भी कर देते हैं, यही कारण है। गाभिन बकरियों को ध्यान खरीदने समय कुछ ध्यान देना चाहिए, मतलब सफर के दौरान या उसके बाद यहाँ आने में? अगर गाभिन बकरी खरीद लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने की बकरी गाभिन, अगर ज्यादा दूर से लाना है तो नजदीक की बकरियाँ जैसे 4-5 महीने नजदीक में है, कोई 15 दिन बाकी है बच्चा देने में, कोई भी ऐसी बकरियाँ जो है दूर से हमें नहीं लाना चाहिए। अगर ऐसी बकरियाँ खरीदनी है तो हम अपने लोकल किसानों से खरीदें ताकि वो हमारे यहाँ आसानी से पहुँच जाए, जिससे हम हमारा नुकसान होने से नहीं। बहुत सी बकरियाँ लोग खरीदते हैं 20 दिन 25 दिन टाइम रहता है बच्चा देने में, रास्ते में ही जो है वो बच्चा गिरा देती हैं, यहाँ आने के 1 दिन 2 दिन बाद जो है बच्चा गिरा देती हैं, बिना समय का बच्चा पैदा होता है और मर भी जाता है। तो सम्मान्य साथियों कैसा लगा ये वीडियो आपको, जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।